हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं बनाने वाली हूँ आज आलू और बोड़े की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होगी। और गर्मियों में ना आप सब्ज़ी बना बना के बोर हो चुके हैं ना, तो एकदम अलग और यूनिक तरीके से आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देखिए, बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बन के सब्ज़ी रेडी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि रख देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में हम 2 चम्मच डाल देते हैं सरसों का तेल। और जब हमारा तेल गर्म हो जाए ना, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। और जब जीरा अच्छे से पिटक जाए ना, तो इसमें हम डाल देंगे आलू और बोड़ा। तो आलू और बोड़े को हम धो करके अच्छे से साफ करके और छोटे छोटे पीस में बोड़े को कट कर लिए हैं, और आलू को भी हम बहुत बड़ा पीस में नहीं करते हैं, छोटे छोटे पीस में ही करते हैं। और दोनों को हम एक साथ मिक्स कर दिए हैं, और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे, और मीडियम आँच करके इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए ना इसको अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि ये बोरा और आलू हमारा अच्छे से लाल हो जाए, थोड़ा सा भून जाए। तो अब फिर क्या करेंगे ना कि हम एक बार और इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जब तक ये हम ढक के रखे हैं ना, बन रहा है मेरा सब्ज़ी, तब तक मैं क्या करूँगी कि इसी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हम 2 पके पके टमाटर ले लिए हैं, तो इसमें एकदम पका हुआ ही टमाटर आप यूज़ करिएगा, जो एकदम टमाटर लाल लाल हो। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बिल्कुल लाल वाले एकदम टमाटर लिए हैं 2, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, और उसे भी हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे, ताकि ग्राइंडर में अच्छे से वो पीस जाए। और यहाँ पे हम 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, तो आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। और 8 से 10 हम यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं, तो आप लहसुन की कलियों को ना अच्छे से इसे भी धो करके साफ़ कर लीजिए। और अभी से हम क्या करेंगे कि मिक्स करके पीस लेंगे, तो इसे हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारी सब्ज़ी भी कैसी है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से भून चुकी है, इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स। तो ये फटाफट बन जाती है, गर्मियों में आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते ना, तो ऐसे ही फटाफट सब्ज़ी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, और थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर डाल देंगे, और इसे हम चला लेंगे अच्छे से। एक बार हम ऐसे इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से हमारे मसाले भी भुन जाए पक जाए अच्छे से। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार हल्दी 1 चम्मच, और अभी हम जो टमाटर अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट बनाया था ना, उसे भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। और इसे अब हम अच्छे से मीडियम फ्लेम करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि अब अच्छे से मेरी सारी सब्ज़ी में मसाले अच्छे से पक जाए। ये फटाफट बन जाती है फ्रेंड्स, गर्मियों में आप बहुत देर तक खड़े होकर सब्ज़ी नहीं बना सकते, तो ऐसे बना लो आप, बहुत आसानी से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो हमने आज लंच में बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। और अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम पर पकाना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर सब्ज़ी नहीं पकानी है, वरना सब्ज़ियाँ जलने लगती हैं। और मसाले जब अच्छे से पक जाते हैं ना, तो किसी भी सब्ज़ी में अच्छे से उसका स्वाद आ जाता है। तो जिसमें हमने मसाला पिसा हुआ था ना, उसमें थोड़ा सा पानी लेकर के हमने इसे डाल दिया है, ताकि मेरी सब्ज़ी अच्छे से और मिक्स हो जाए और मसाले पक जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, 3 मिनट के बाद हम कुछ हटा देंगे। अभी मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं बिल्कुल भी, और आलू भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे ना कि आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो सूखे भी रख सकते हो, और ग्रेवी के लिए पानी भी ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पानी डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ी सी मसाले वाली ही बनानी है, ग्रेवी वाली बनानी है। तो आप ऐसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फॉलो और कमेंट ज़रूर करिएगा। और सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो चुकी है। बाय बाय फ्रेंड।